रजिस्ट्रेशन। सर, इंटर्नोफेरा 2.0 इंटर्नशिप फेयर हमारे कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके बारे में कुछ आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विज़न है, प्लीज़ शेयर कीजिए। बात हमने पिछले साल से इंटर्नशिप फेयर की शुरुआत की, इंटर्नोफेरा 1 पिछले साल किया था, इंटर्नोफेरा 2 हम इस साल कर रहे हैं, और इसमें अभी ऑलमोस्ट 75 कंपनीज आ चुकी हैं जो कि यहाँ मौजूद है, और 500 से ज़्यादा 500 से अबव रजिस्ट्रेशन है, जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए और जॉब के लिए यहाँ आए हैं, रजिस्टर किया है उन्होंने। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करने का और सीखने का मौका मिले। इससे दो बातें हो सकती है, एक तो उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और दूसरा कई ऐसी कंपनीज हमारे बीच हैं जो जॉब भी ऑफर कर रही हैं, तो जॉब भी मिल सकता है। अल्टीमेटली पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो और उसको अपने भरण पोषण के लिए एक ठीक अच्छी नौकरी मिले या कोई रोज़गार मिले। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, और इस इंटर्नोफेरा इंटर्नशिप फेयर के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अधिक से अधिक बच्चों को, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का मौका मिले और जॉब का मौका मिले। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, व्हाट आर योर व्यूज एंड योर एक्सपेक्टेशंस विद दिस इंटर्नोफेरा इंटर्नशिप फेयर? See, this is the second edition of internship and job fair organized by our college. We made a beginning last year. The number of companies that participated last year was less than 50. But this year, 72 companies confirmed their participation, though I think around 70 companies have actually come in. Since morning, more than 600 students have already come and visited the fair. And we are hopeful that by the end of the day, there will be around 1500 students who would have come and taken the benefit of this internship fair. The students who had applied I have come to know that this is perhaps the second round, as their HR officer the largest number of companies taking part in ARSD internship fair, larger than in any of the DU colleges. The students who are visiting the fair are not only our own students, but they are coming from across different colleges and even from different universities in NCR area. Students registered through Google form, they even registered directly. They are coming even without registration. I think it's a nice response and a good experience for the students. Thank you, sir. Mm-hmm.